नमस्कार ठुलन को पैलाग और ननन को जीजाग, स्वागत है तुम्हार धर्म का अस्तित्व चैनल में। तो दोस्तों, उत्तराखंड की संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ के जन साधारण का प्रत्येक कर्म किसी न किसी रूप में धार्मिक पूजा पाठ से संबंधित है। उत्तराखंड के प्राचीन निवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, अतः यह स्वाभाविक है कि पशुधन से संबंधित कई परंपराएं यहाँ विद्यमान है। तो उन्हीं परंपराओं में आज मैं आपको जो उत्तराखंड के मुख्य पूजा हैं, चाहे वो पशु से हो, चाहे खेती बाड़ी से हो, या मशाण देवता से संबंधित हो, उनके बारे में मैं आपको एक एक करके जानकारी प्रदान करूंगा। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूं बधाण पूजा क्या होती है। तो पशुधन से संबंधित पूजा विधानों में बधाण पूजा सबसे प्रमुख है। गाय अथवा भैंस के ब्याहने पर उनका दूध निजी उपयोग में लाने से पूर्व बधाण, जिसे गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में बधवाण, बालण अथवा बलड़ भी कहते हैं, की पूजा अनिवार्यतः की जाती है। सामान्यतः बधाण देवता एक निराकार कल्पना है, जिसका कोई निश्चित स्वरूप अथवा पूजा स्थल विद्यमान नहीं है। फिर भी कुछ कुछ जगहों में बधाण देवता का पूजा स्थल भी विद्यमान है, किंतु ऐसे पूजा स्थलों पर भी बधाण देवता की कोई मूर्ति आदि स्थापित ना होकर प्रस्थर मतलब पत्थरों के प्रतीक स्थापित हैं। कुमाऊं में बधाण पूजा की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ गाय के नवजात बछड़े के नामकरण के रूप में बधाण पूजा का आयोजन किया जाता है। बहुत से गांवों में सामान्यतः गाय के ब्याहने पर 11वें दिन तथा भैंस के ब्याहने पर 7वें दिन बधाण पूजा की जाती है। इसके लिए 4 से 8 सफेद छोटे पत्थरों की पूजा की जाती है। गाय ब्याहने पर यह पूजा गौशाला के अंदर गाय के बांधने के स्थान पर की जाती है। यहाँ गोबर की कुंडी बनाकर उसे नव प्रसूता गाय के दूध से भर दिया जाता है। उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित कर नवजात बछिया अथवा बछड़े को हल्दी चंदन का तिलक लगाकर पुष्प माला पहनाई जाती है तथा दूध घी के पकवान लापसी पुआ खीर पूड़ी हलवा आदि बनाकर बधाण देवता को समर्पित करने के बाद पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करता है। बधाण पूजा के कोई मंत्र आदि नहीं है, फिर भी यह एक प्रकार की तंत्रात्मक पूजा है। पूजा स्थल पर केवल हाथ जोड़कर पूर्ण श्रद्धा भाव से बधाण देवता से गाय बछिया के स्वस्थ रहने और पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध होने की मंगल कामना की जाती है, एवं अंत में मानवीय शिशु के समान नवजात बछिया तथा बछड़े का नामकरण भी किया जाता है। दोस्तों, इस कड़ी में अगला है छमू देवता की पूजा के बारे में। तो उत्तराखंड में छमू देवता को गाय भैंस की बीमारियों में रक्षा करने वाले देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। कुमाऊं संभाग में गाय अथवा भैंस के ब्याहने के उपरांत 22वें दिन छमू देवता की पूजा की जाती है, जिसे दुघाणी कहा जाता है। यह पूजा भूमि पूजन से आरंभ होता है। धूप दीप प्रज्वलित कर गाय एवं बछिया का तिलक किया जाता है। इस अवसर पर दूध दही गोमूत्र एवं गंगा जल से पवित्रीकरण किया जाता है तथा आटे की लपसी बनाकर भोग चढ़ाया जाता है और छमू देवता से पशु के सदैव स्वस्थ एवं दुधारू रहने की कामना की जाती है। इस पूजा का भी कोई निश्चित मंत्र आदि नहीं है। अगला दोस्तों इस कड़ी में है एड़ी देवता की पूजा। कुछ गांवों में गोधन की बीमारियों आदि से रक्षा की कामना करने के लिए 22वें दिन एड़ी देवता की पूजा की जाती है। उन्हें दूध खीर आदि का भोग लगाया जाता है और भोग का प्रसाद समस्त परिवार जनों को वितरित किया जाता है। कुछ गांवों में अजबली भी दी जाती है। इस कीड़ी में अगला है दोस्तों ग्वालदा देवता की पूजा। ग्वालदा ग्वालों एवं जंगल में चरने वाले पशुओं का रक्षक देवता माना जाता है। ग्वालदा की पूजा के 2 प्रयोजन प्रतीत होते हैं। पहला है जंगल में पशुओं एवं चरवाहों की रक्षा एवं पर्याप्त मात्रा में घास उगने, खेतों में पर्याप्त परिमाण में अन्न पैदा होने के लिए समुचित वर्षा की कामना। इसकी पूजा हेतु चरवाहों अर्थात ग्वालों द्वारा जंगल में किसी भी स्थान पर पत्थरों से एक साधारण एवं अस्थायी मंदिर नुमा पूजा स्थल बनाकर उसमें धूप दीप प्रज्वलित किया जाता है तथा घर से आटा तेल गुड़ लाकर जंगल में ही पकवान बनाकर ग्वालदा देवता को भोग चढ़ाया जाता है और इंद्रदेव से वर्षा की कामना की जाती है। तदंतर समस्त ग्वाले बनाए गए पकवान प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सामान्यतः यह पूजा जेठ अथवा आषाढ़ माह में की जाती है।
इस पूजा में भी कोई मंत्र उच्चारण निश्चित नहीं है। अगला मैं आपको बताने वाला हूँ छल एवं मसाण की पूजा। किसी महिला अथवा बच्चे पर मसाण का छल उत्तराखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में लगता है। छल लगने पर सामान्यतः किसी गधेरे में मसाण पूजा की जाती है, जो एक प्रकार से तांत्रिक विधान है। इतनी जानकारी अवश्य है कि महिला मसाण का छल हो तो उसे श्रृंगार सामग्री आदि के साथ पूजा दी जाती है, और यदि नर मसाण का छल हो तो अजबली दी जाती है। साथ ही विभूर की लकड़ी, हल की फाल, दराती, कुदाल की नोक, टोकरी तथा बिना मसालों की खिचड़ी भी चढ़ाई जाती है। मित्रों, जीवन में जल का महत्व ये सब जानते हैं, अतः भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही जल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने एवं निरंतर जल की उपलब्धता की कामना से जल पूजा करने की परंपरा भी संपूर्ण उत्तराखंड में भी प्रचलित है। इन्हीं में से है जब भी किसी गांव में किसी देव शक्ति के निमित्त बड़ी पूजा का आयोजन होता है तो सामान्यतः पांचवें अथवा छठवें दिन जल यात्रा निकाली जाती है, जिसमें ऐसी विवाहित महिलाएं जिनका कभी गर्भभंग ना हुआ हो सज धज कर सिर पे तांबे का जल पात्र रखती हैं और समस्त महिलाओं के सिर में रखे गए जल पात्र को एक ही वस्त्र, जो सामान्यतः सफेद रंग की ऐसी मर्दानी धोती होती है जिसका प्रयोग नहीं किया गया हो, से ढकते हैं। महिलाओं की संख्या अधिक होने पर आवश्यकता अनुसार एकाधिक धोतियों को जोड़ दिया जाता है। महिलाओं के आगे ढोल, दमाऊं, भंकोरी, घंटी आदि स्थानीय वाद्य यंत्र बजाते हैं और पीछे पूरे गांव के स्त्री पुरुष संबंधित देवी देवता का जयनाद करते हुए चलते हैं। गांव के जल स्रोत पर पहुंचकर जल स्रोत की सफाई कर जल धारे अथवा नौले की चंदन, अक्षत, पुष्पादि से पूजा की जाती है। तदंतर महिलाएं जल पात्रों में जल भरती हैं और जल यात्रा गाजे बाजे के साथ वापस गांव पहुंचाती हैं। तो मित्रों, ये जो आपको मैंने पूजा अनुष्ठान बताए हैं, इसे सिद्ध होता है कि हमारे उत्तराखंड में प्रकृति को ही देवता और देव शक्ति के रूप में माना गया है, और ये आज से नहीं है, हजारों सालों सदियों से है। तो इसीलिए कहते हैं उत्तराखंड को देव भूमि। जय उत्तराखंड।